नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। बुलेटिन में सबसे पहले आज हमें मेरे तीन सहयोगी पंजाब हरियाणा हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। मेरे तीनों सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा मुझे पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगी, इसके साथ साथ ललित मुझे हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे, और हिमाचल की बड़ी खबरों के लिए हम मोहित प्रेम शर्मा का रुख करने वाले हैं। सबसे पहले मैं नेहा का रुख करूंगी। नेहा, आज पंजाब में कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं? तो नेहा का रुख कर लेते हैं और पंजाब की बड़ी खबरें कौन कौन सी रहने वाली हैं नेहा आज? बिल्कुल मोनिका, पंजाब की खबरों की बात करें तो जिस तरह जो है विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो नए नए मुद्दे जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं और उसके ऊपर सियासत भी लगातार शुरू हो चुकी है। और इसी कारण आज श्रोमणी अकाली दल की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ, चाहे वो SFIL का मुद्दा हो, चाहे वो सीसगंज गुरुद्वारे के बाहर जो प्याऊ का मुद्दा है वो हो, सारा जितने भी पूरे पंजाब में जितने भी जिले हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है अकाली दल आज प्रोटेस्ट करने जा रहा है, प्रदर्शन करने जा रहा है। तो इसके ऊपर हमारी नजर जो है मोनिका वो बनी रहेगी। दूसरी खबर की बात करें मोनिका, तो आज जिस तरीके से बीजेपी को, पंजाब बीजेपी को एक नया चेहरा मिला है, विजय सांपला जो है आज उनकी ताजपोशी होगी, और इसी कारण विजय सांपला जो है 11 बजे के करीब चंडीगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद जो है ऑफिस जो है स्टेट ऑफिस है वहां पर जाकर उनकी ताजपोशी की जाएगी। तमाम जो लीडर्स हैं बीजेपी के वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो मोनिका यही देखना रहेगा कि ये नया चेहरा जो है वो पंजाब बीजेपी को क्या नया रुख देता है और क्या कुछ नई जो है रणनीति तैयार करता है। और अगर तीसरी खबर की बात करें मोनिका जी, तो बीर देवेंद्र सिंह के बाद जो है जगमीत बरार का नंबर लग चुका है और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए के जो है बर्खास्त कर दिया है कांग्रेस से। और इसी कारण अब यही देखना रहेगा मोनिका कि जो जगमीत बरार है अब आगे आने वाले दिनों में उनका क्या रणनीति रहती है। और जगमीत बरार की बात करें तो उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि 21 मई का इंतजार करें, उसके बाद वो अपनी रणनीति जो है वो बताएंगे। तो 21 मई का इंतजार करना पड़ेगा कि जो जगमीत बरार है अब अपनी अगली रणनीति जो है वो क्या जो है वो करेंगे। जी मोनिका, बिल्कुल। तो तमाम बड़ी खबरें हैं, अपडेट आपसे लेते रहेंगे नेहा।